आज हम आ रखे हैं विदुली साइड आ रखे हैं और इधर ही पेट्रोलियम कॉलेज भी है। तो आज हम स्कूटी की सवारी करके आए हुए, आज कार लेके नहीं आए हुए। और ये पूरा जंगल एरिया है और इस साइड से भी दिखाते हैं आपको, ये बरसाती नाला है। सामने देख सकते हैं कितना घना जंगल है उधर की साइड, काफी बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी आपको आगे ले जाते हैं क्या क्या होता है। एक बार पहले भी आए हुए हम लोग यहाँ पे, पर उस दिन हम शाम को आए, अंधेरा हो गया था तो कोई वीडियो नहीं बना पाए। और अभी भाई इसमें स्कूटी में आवाज बहुत तेज आ रही है, हवा की तो मेरी आवाज भी अच्छी तरीके से नहीं सुनाई दे पा रही थी। तो जब हम अच्छे से लोकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे रुक के हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे। हमारा बेटा डेली इस कॉलेज इसी रोड से आता है कॉलेज। ये मेडिटेशन सेंटर है, ये और आगे स्कूल कॉलेजेस और वो हॉस्टल काफी है आगे जाके। और एक छोटा सा गांव पड़ता है बीच में, कौन सा गांव है वो? आप देख सकते हैं ये सामने जो दिख रहे हैं सारे हॉस्टल है ये। और ये दून इंटरनेशनल स्कूल है। तो अभी हम मैप में देख रहे हैं तो ये जो लोकेशन है ये पोंदा गांव है, पोंदा। प्रेमनगर से हम इस रोड पे अंदर आए, यहाँ पे दिखाइए ये प्रेमनगर वाली रोड है, यहाँ से हम अंदर आए पोंदा की तरफ, ये पोंदा। और यहाँ से पोंदा होते हुए ये जाएगा विदुली, इस विदुली में ही है ये UPEC, यही है वो स्कूल वो कॉलेज जहाँ पे ऋषु पढ़ता है। तो हम पोंदा गांव से आगे बढ़ते हुए तो आगे बीच में जंगल पड़ेगा, काफी घना जंगल पड़ेगा। तो उसके बाद से फिर कोई छोटा सा गांव पड़ेगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम जंगल की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, बड़ा छोटा सा मंदिर है गांव का। डस्टबिन की तरफ देखे, मेरे को डस्टबिन में पैर टकरा गया, मैं देख तो रहे। चलो माय गॉड, ये देख सकते हैं आप राइडर ज्यादा जा रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा बिजी रोड नहीं है तो यहाँ पे राइडरों की कमी नहीं है। ये आ चुके हैं हम जंगलों के बीच में। और इस जंगल में सारे जानवर मिलेंगे आपको रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ से कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो उनको काफी टाइम यहाँ पे ये चीता हो गया, बाघ हो गया और
हाथी ये चीजें दिखाई देती है। देहरादून में आपको काफी सारे जंगल दिखाई देंगे हर जगह में, अगर किसी भी कोने में जाओ आप, चारों तरफ जंगल है देहरादून में। तो इसलिए देहरादून में आप प्लेन एरिया में आता ना हिल एरिया में आता तो मिक्स है। और आगे बढ़ते हुए अब जंगल खत्म होने वाला है कुछ देर में, और आगे एक छोटी सी बस्ती आई सामने दिखाई दे रहा है इसके बाद। और जो पहली बार आएगा यहाँ पे उसको डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि पूरा जंगल है या इसके बाद कुछ घर भी है। जब हम पहली बार आए थे तो थोड़ा बहुत मुझे डर लगा था उस टाइम पे, तो वीडियोग्राफी नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक पानी का धारा है, तो यहाँ पे लोग पानी वानी भरते, इधर के लोग पानी वानी भरते होंगे। और ये रोड जो आगे से निकल रही, कहाँ सिद्धो वाला से होके हमने मैप में देखा तो हमें पता चला कि ये रोड आगे सिद्धो वाला से मिलती है। तो ये देखे सुंदर सुंदर नजारे, और ये आ गया है बड़े बड़े, यहाँ पे भी हॉस्टल है। और जो ये वाली लोकेशन है ये कंडोली है, यहाँ का नाम कंडोली, अभी मैंने पीछे बोर्ड में पढ़ा है। तो ये हमारे लिए भी नया जगह है, पहली बार आ रहे हैं इस जगह पे इस रोड से। पूरा ये एरिया कंडोली गांव का ही है। और यहाँ पे भी काफी बिजनेस है, हॉस्टल का और पीजी का, लोगों के लिए काफी अच्छा एरिया है यहाँ पे बिजनेस करने का। तो दोस्तों हम जैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये सामने मसूरी की पहाड़ियाँ दिखने लगी है, बहुत ही नजदीक। ऐसा लग रहा है कि मसूरी यहीं पे है, तो आसपास ही दिख रहा है यहाँ से मसूरी, और सामने फिर घना जंगल। और ये देखिए मसूरी की पहाड़ियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो पीछे ये देख सकते हैं हमारे हस्बैंड जी। तो आज हम इवनिंग राइड कर रहे हैं अपनी स्कूटी से। कितने टाइम बात कर रहे हैं ना, काफी टाइम की बात कर रहे हैं हम। इवनिंग वॉक, इवनिंग राइड। और ये जो एरिया है हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इस एरिया को, तो काफी सुंदर एरिया है इधर। तो ये एरिया पड़ता है बिदुली इलाका है, एरिया का नाम है बिदुली, जहाँ एक फेमस कॉलेज देहरादून में, एक फेमस कॉलेज UPSC है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आज हमने सोचा कि देखते हैं वो कहाँ पर है वो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जहाँ हमारा बड़ा वाला बेटा भी वहीं पढ़ता है। और ये देखिए अपने बाल ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर शॉट देंगे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? इलाका जहाँ हम आए नहीं थे कभी, वो भी देखा जाए। और वो इलाका है बिदुली का, जो देहरादून प्रेम नगर से नंदा की चौकी से जब आप नीचे की तरफ आएंगे, वहाँ से एक राइट टर्न लेंगे, बौंदा रोड पे आएंगे,
तो उससे करीब 10-15 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये डुडूली इलाका पड़ता है। और यही रोड आगे भी कनेक्ट होती है, ये रोड आगे जाके कनेक्ट होगी और वो वहाँ से सिद्धो वाला रोड निकलती है, वहाँ से भाव वाला भी जा सकते हैं आप, भाव वाला और मेन रोड पे हाईवे पे आ जाएगा ये। हाँ, तो यहाँ हम स्पेशली ये देखने आए थे यहाँ का व्यू कैसा है। हालांकि आज बारिश जब होती है तो यहाँ बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा व्यू होता है, हमारा बेटा बताता है। आज धुंध लगी हुई है, जैसा इतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तब फिर भी हम देखने आए। और ये भी देखना है वो कॉलेज कहाँ पर है, यहाँ पे UPSC कॉलेज हो गया। और सामने से ये देखिए बादल लगे हैं पहाड़ियों के ऊपर, 360 का व्यूज दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से अब थोड़ा ही आगे जाएंगे और हमें मिलेगा UPSC का गेट। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर के करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद राइट साइड में हमें मिलेगा UPSC। जो इलाका आपको दिख भी रहा होगा, कुछ बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है सामने, घने वृक्षों के बीच में जो बिल्डिंग दिख रही हैं वही UPSC का इलाका है।